हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ते आज आप डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सीबीएसई की तरह अपना सिलेबस रिड्यूस किया है या नहीं। ठीक है, ये काफ़ी सारे जिहड़े रूमर्स है वो देखने मिल रहे हैं, जिवें कि आप कई अलग अलग चैनल्स से वीडियोज़ देख रहे हैं। उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं कि 30% जो सिलेबस है, यानी कि 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। पर जिवें कि आप मैं हुण तुहानू देख रहा है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट के उपर हाँ, तो इत्थे जिहड़ी अपने को लेटेस्ट न्यूज़ जिहड़ी है वो आ रही है कि इतने आप नोटिस जोड़े है वो देखेंगे कि जोड़े लेटेस्ट नोटिस जोड़े है वो दिखाए गए हैं। तो इतने मैं तुम्हें तो दिखा दें कि इतने जोड़ा नोटिस है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस को रिड्यूस करन दा, वो कोई भी नोटिस नहीं आया। ठीक है, एक टाइम से जो उन्होंने दो दिन के लिए सिलेबस के रिगार्डिंग रिडक्शन रिगार्डिंग यानी कि जोड़ा कट किया गया सिलेबस वो रिगार्डिंग उन्होंने एक जोड़े नोट है वो यानी कि एक प्रेस नोट या न्यूज़ के उन्होंने नोटिस पाया से अपडेट पाई सी, पर दो दिन बाद उन्होंने इतों चक लिया गया। ठीक है, वो नोटिस डिलीट कर दिता गया, उन्होंने ख़त्म कर दिता गया। फिर उस तो बाद की होया कि जो नोटिस आया तो उसके नाल नाल ही काफ़ी सारे जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उन्होंने वीडियो बना थी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी सीबीएसई की तरह अपना जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिता जिमें कि सीबीएसई ने किया। ठीक है, हुण मैं गल करती हूँ कि चाहे तुम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, प्लस वन प्लस टू के, ग्यारहवीं बारहवीं के, चाहे वह आर्ट्स है, चाहे वह कॉमर्स है, चाहे वह साइंस है। ठीक है, चाहे तुसी 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अजे तक कोई भी सिलेबस जोड़ा है वो रिड्यूस नहीं किया गया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ तो। उन्होंने एक नोटिस कढ़िया जरूर सी, वो मैं भी देखा सी। ठीक है, मेरे को पीडीएफ भी पिया, उन्होंने रिडक्शन की सी, जिवें मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ तो फिजिक्स के सिलेबस के या 9वीं का मैथ साइंस के सिलेबस भी उन्होंने रिडक्शन की सी। ठीक है, होया सी ए, पर हुण जिहड़ा नोटिस है इत्थों इत्थे नहीं हैगा, जिहड़ी वैबसाइट है अपनी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट ते नहीं हैगा। तो तुसी किसी भी रूमर्स ते विश्वास ना करो, आराम नाल अपना जिहड़ा काम है जिहड़ा तुहानू टीचर्स करवा रहे हो काम करो। किसी ये छड्डण की जरूरत नहीं है कि यह सिलेबस रिड्यूस हो चुका, यह सानू दस्या गया सी, इदां ही उदां कुछ भी नहीं होया अजे तक। जदों भी होएगा तुहानू अपडेट मिल जाएगी। तो वो जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन तुहानू दित्ती सी बई सिलेबस जोड़ा है वो रिड्यूस हो चुका है, तो उन्होंने ये ड्यूटी भी बनती है कि जेकर नहीं कोई अपडेट आई है तो वह भी तुहानू इनफॉर्म करके दसन कि जोड़ा नोटिस सी वो रिमूव कर दिता गया। तो उस तो बाद हुण पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की नवा नोटिस अपडेट करेगा, क्या कि उन्हों का एक्शन होएगा उन्होंने बारे भी उन्होंने दसना चाहिए। अद्धी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों नूं नहीं देनी चाहिए, उन्होंने फ्यूचर का सवाल है। तो एक कोरोना वर्गी जिहड़ी पेंडेमिक दे विच तां बहुत जिहड़ा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बच्चे जिहड़े हैं वो यूट्यूब के उपर ही बेस हो चुके हैं, या जिहड़े ऑनलाइन लैक्चर्स चलते हैं या वीडियो क्लासिस जिहड़ियां हैं उन्हां दे उपर ही बेस्ड है। तो इस दे विच मेरे कोल काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि असीं पढ़िया भी नहीं, असीं पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, साडा सिलेबस रिड्यूस होया या नहीं होया। तो बिल्कुल भी सिलेबस जिहड़ा तुहाडा है वो रिड्यूस अजे तक नहीं होया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ तो। दूजी चीज़, तुसी जिहड़ा रिडक्शन वाला जिहड़ा पीडीएफ है ना, वो तुसी ध्यान नाल देखियो किसी भी क्लास का जिहड़ा जे तुहानू मिलता है, या जेकर मेरे को जिहड़ा पिया प्लस टू का, मैं और जिहड़ा है अटैच कर दांगी वीडियो दे नाल, उहदे विच उन्होंने साफ साफ थल्ले लिखा है कि ये टॉपिक्स पेपर दे विच इन्ना चो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर तुसी ये करना ही है। ठीक है, तुसी एक गल देखो, 11वीं दे सिलेबस दे विचों न्यूटन नूं कट दिता गया, न्यूटन दा सिलेबस जिहड़ा है फिजिक्स दे सिलेबस विचों न्यूटन कट दिता गया। हुण न्यूटन ही चला गया तो आपां फिजिक्स किवें पढ़ांगे, फिजिक्स पढ़न का कोई मतलब ही है नहीं जदों न्यूटन ही है नहीं। न्यूटन के बगैर कोई फिजिक्स पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि 11वीं 12वीं की जी फिजिक्स है वो न्यूटन के आसे पासे ही लाई करती है। तो ये जी सिलेबस की रिडक्शन सी ना, ये बहुत गड़बड़ कर रही सी, इस करके पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपनी साइड तो ये जो नोटिस है चक दिता, खत्म कर दिता, डिलीट कर दिता। तो अजे तक कोई भी यहो जी गल नहीं हुई है, कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं होया। तो जिन्ना सिलेबस दिता गया सी, इत्थे एक सैक्शन दिता हुआ सिलेबस 2020-21 जिन्ना सिलेबस तुहानू दिता गया तुसी वो सारा करना है। कोई भी रूमर्स से कोई भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना बच्चे, क्योंकि बहुत औखा टाइम है, क्योंकि आप सारे जिहड़े है वो घरे बैठ के पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के उपरों पढ़ रहे हैं, या कोई भी अपने जिहड़े टीचर्स आपां नूं वीडियोज़ या जिहड़े नोट्स वगैरह भेजदे आ उन्हां तों पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पर रूमर्स से अफवाहों पर विश्वास नहीं करना, इत्थों अपना सिलेबस है जिहड़ा वो डाउनलोड करो, तो इत्थे जोड़ा कुछ भी दिता वो करो। ठीक है, से ए सी एक बहुत कई बच्चों ने मैंने बोलिया कि वीडियो बना दो ये उत्ते भी सिलेबस रिड्यूस होया या नहीं, नहीं होया। तो ये वीडियो मैं उन्होंने बच्चों ही बनाई है, तो एक मेरी
खास रिक्वेस्ट है उन्हां लोकां तों जिन्हां ने रिडक्शन दे उपर दा वीडियो बनाई है पर वो नोटिस जिहड़ा सी ओह रिमूव कर दिता, उस दे उपर वीडियो बना के बच्चों नूं इनफॉर्म नहीं किया गया सी, ते कृपा करके उहदे ते भी वीडियो बना के बच्चों नूं दस दिओ कि सिलेबस जिहड़ा है वह रिड्यूस नहीं होया है। एक टाइम तो होया सी पर हुण पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने वो नोटिस जिहड़ा है वो रिमूव कर दिता गया, ते अगे जिहड़ी भी अपडेट आएगी असीं तुहानूं दस दांगे। ये तुहाडी ड्यूटी बनती है क्योंकि अगर तुम रिडक्शन का दसिया तो उस तो बाद जी अपडेट आई है वो दसना भी तुहाडी ड्यूटी है। तो अज के लिए इन्ना ही, जिवें भी कोई न्यूवी अपडेट आएगी मैं तुहानू इनफॉर्म कर दाँगी वीडियो बना के, ठीक है, जिवें जिन्ना सिलेबस अगर रिड्यूस हुंदा है या नहीं हुंदा है वो बारे तुहानू दस दिता जाएगा।